बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ हमारा ये YouTube चैनल पर। दोस्तों, चंद्र ग्रहण एक महत्वपूर्ण ग्रहण जो कि 8 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है, यानी कि अब कुछ ही घंटे बचे हैं। कुछ घंटे के बाद में इस ग्रहण का प्रभाव चालू हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है वर्ष 2022 का चंद्र ग्रहण, आखिरी ग्रहण। इसके बाद अब जो भी ग्रहण पड़ेगा अगले वर्ष 2023 में देखने को मिलेगा। दोस्तों, ग्रहण शब्द से समझ में आ जाता है कि किसी चीज का दूषित हो जाना। चंद्रमा हमारे शरीर के अंदर मन को रिप्रेजेंट करता है और मन के अधीन हमारी इंद्रियां होती हैं। मन सही तो इंद्रियां सही वर्क करेंगी। आप सोच करके देखिए, अगर आपका मन पीड़ित हो जाए तो आप कैसे काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, शरीर ही ढीला पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मन उदास है। अब मन को रिप्रेजेंट चंद्र ग्रह करते हैं और चंद्रमा जैसे ग्रह को जब ग्रहण लगेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इंसान की वर्किंग कैपेसिटी टूटती है, काम में उतना मन नहीं लग पाता है, तनाव की स्थिति बनती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, भय, भ्रम, गुप्त चिंताएं। इसलिए इस ग्रहण का जो राशिफल मैंने डाला है, जो कि आपको इस कोने के आई बटन में देखने को मिलेगा, मैंने 3 वीडियो ग्रहण के ऊपर बनाई है, इसका बहुत ज़्यादा व्यापक प्रभाव हमारे जीवन में रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण तो आपको अपने चंद्रमा को ही मजबूत करना चाहिए। अगर आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाएगी और आप उसका सेवन करोगे तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलता है, उसकी भरपाई होती है। तो इसलिए आपको इस ग्रहण के दौरान सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए। इस ग्रहण के दौरान आपको ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना चाहिए, ओम गुरु गुरुवे नमः का जाप करना चाहिए, आपको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। उन लोगों को जिनके ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट चल रहा है, ऐसे लोग महामृत्युंजय का जाप करें, क्योंकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है। जी हाँ, कुछ ही घंटे बचे हैं, कुछ घंटे बाद इस ग्रहण का प्रभाव चालू हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं इस वीडियो को तुरंत वायरल कर दो और लोगों तक आप पहुंचा दीजिए। यह है ग्रहण, जैसा कि आपको मैंने बताया और भिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने सुना होगा कि यह दोपहर में 2:40 से प्रारंभ होगा और इसका मोक्ष का मतलब होता है समाप्ति काल, ये है शाम को 6:19 पर। इसके अलावा इसका मध्य काल रहेगा जो कि परम ग्रास होता है, ग्रहण का मध्य उसको बोला जाता है, दोपहर में 4:29 पर हो जाएगा। तो इस टाइम पीरियड में मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूं, जितनी भी गर्भवती महिलाएं मेरे को सुन रही हैं, देखिए, गर्भ के अंदर पलने वाला जो बच्चा होता है वो शिशु होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो शिशु अवस्था में प्रवेश लेता है, तो चंद्रमा शिशु अवस्था के कारक होते हैं, तो विशेष रूप से बच्चे के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए आपको ग्रहण के दौरान विशेष ध्यान रखना है, समाप्ति के बाद स्नान करना है, आपको भजन, ध्यान, जप, ये सब चीज़ों का जाप करते रहना है, आपको अपने नेल्स नहीं काटने हैं, आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोच के साथ में कार्य करना है। ग्रहण के प्रारंभ होने से पहले आप 2-3 घंटे पहले तक कुछ भी सेवन कर सकती हैं, आपके लिए ठीक रहेगा। ग्रहण के दौरान आप कुछ भी सेवन करने से आपको बचना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और विशेष रूप से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिनके चंद्रमा बहुत कमज़ोर हैं, जिनके जन्म अमावस्या के हैं, जिनको मन में भय, भ्रम, इनसिक्योरिटी रहती है, जो कंफ्यूज रहते हैं, ऐसे जितने भी जातक इस समय मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, आपको विशेष उपाय करने चाहिए जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, उनको ज़रूर करना, अन्यथा आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा ग्रहण में के जो सूतक हैं, सूतक में, ग्रहण काल में स्नान का, दान का, जप का, स्नान वो नहीं जो घर में, अगर गंगा स्नान करते हैं, यमुना जी का स्नान करते हैं वो अच्छा रहेगा, आपको दान करना चाहिए, आपको मंत्र जप, मंत्र सिद्धि, हवन, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, इससे घर की शुद्धि होती है, आपके कल्याणकारी रहेगा। जितने भी लोग धार्मिक स्थल के आसपास में रहते हैं उनके लिए विशेष रूप से ये उपाय अच्छा रहेगा, ये मैं कहना चाहूँगा। इसके अलावा सूतक काल में आपको मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, मूर्तियाँ स्पर्श करने से दूषित होती हैं, आपको वो कोई भी काम नहीं करना है जिससे, क्योंकि चंद्रमा से विचार शक्ति मिलती है, अगर मूर्तियों को आप स्पर्श करते हैं तो जो मूर्तियों की पावर होती है वो कमज़ोर पड़ती है। इसलिए मूर्तियों को ढक दें, कपड़े से ढक दें, कपाट बंद कर दें, अन्यथा भगवान की जो ऑरा होती है, उनकी जो एनर्जी होती है वो डाउन हो जाती है। अनावश्यक खाने पीने से बचना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा आपको नींद नहीं लेनी है, यानी कि सोने से तो अवॉइड ही करना चाहिए, ये मैं विशेष रूप से कहूँगा आपसे। और झूठ, कपट, ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि पॉजिटिव सोचना, झूठ बिल्कुल मत बोलना। और ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसके अलावा
कोई सूखी चीज़ है घर के अंदर, जैसे सूखे खाद्य पदार्थ हैं, उनके अंदर आपको कुशा डालने की ज़रूरत नहीं है। परंतु कोई दूध है, दही है, अचार है, चटनी, मुरब्बे, ऐसी सब जो चीज़ें होती हैं, इनमें आपको थोड़ा कुशा डाल देना चाहिए। ग्रहण के दौरान आपको विशेष रूप से अपने मुख के अंदर तुलसी के पत्ते जरूर रखने चाहिए। तुलसी जी के पत्ते रखने से आप समझ लीजिए कि आपकी आत्मा, जो आपकी सोल होती है, उसका एनर्जी लेवल नहीं टूटता है, वो मजबूत बना रहता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ चंद घंटे ही बचे हैं। विशेष ध्यान जिनके चंद्रमा नीच के हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हैं, जिनके ऊपर एट प्रेजेंट शनि की ढैया चल रही है, जिनका चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है, जिनकी कुंडली में चंद्र शनि का विष दोष बना हुआ है, जिनके अमावस्या के जन्म है, उन लोगों को आज कोई भी विशेष कार्य नहीं करना है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर ये आता है मुख्य रूप से कि आखिर इसका भूलोक भविष्य क्या रहेगा। वैसे तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, पर मैं यहाँ शॉर्ट में फिर एक बार आपको बता देता हूँ, क्योंकि यह जो ग्रहण है यह मेष राशि पर लग रहा है, यह ग्रहण भरणी नक्षत्र पर लग रहा है, और भरणी नक्षत्र मूल नक्षत्र होता है, मेष राशि मंगल की होती है, मंगल एक अग्नि कारक ग्रह है, अग्नि तत्व है इनके अंदर, और अगर अग्नि तत्व नक्षत्र पर और राशि के ऊपर ग्रहण लगता है तो इसका व्यापक प्रभाव पूरी सृष्टि पर यह पड़ता है कि चोट दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती हैं, मतलब एक तरीके से असंतुलन की स्थिति बनती है, ऐसे भी योग बनते हैं, और समुद्र के अंदर हलचल ज़्यादा इस ग्रहण के दौरान देखने को मिलती है। ग्रहण से आगे आने वाले 8-10 दिनों तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है। फसलें जो होती हैं उनको हानि पहुंचने की परिस्थितियां बनती हैं, बेमौसम बारिश, अभी बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी इस ग्रहण के बाद आप देखेंगे बारिश जैसी परिस्थितियों का एक बार पूरे वापसी होगी, ऐसा एक यहाँ पर योग देखने को मिलेगा। इसके अलावा यह जो भरणी नक्षत्र होता है, इस पर जब भी ग्रहण लगता है तो उसमें चोरी का, डकैती का, अपहरण का, ऐसी जो सब चीज़ें होती हैं, इनका भी एक प्रकोप बढ़ जाता है। तो दोस्तों यह जो चंद्र ग्रहण है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे के पूरे भारत में देखने को मिलेगा, खंडग्रास रूप में देखने को मिलेगा, मतलब मैक्सिमम पार्ट में तो दिखाई देगा ही देगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट और भी लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। अगर आप अपनी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रत्न लेना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा वर्ष 2023 का हमने वर्षफल बनाने के ऑर्डर चालू कर दिए हैं, तो वर्षफल के लिए भी आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। इस बार बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं लेंगे क्योंकि बनाने में समय लगता है, इसलिए पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर अपनी बुकिंग आप करा सकते हैं। दोस्तों अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।